स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस ठीरा बैच में। और इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का जो फाइव नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में पूछता है, तो ये 5 नंबर गंवाना नहीं है आपको, एकदम ठान लेना है किसी तरह की इसमें से 5 नंबर खींच लेना है, ठीक है, या इसमें पूरा जोर लगा देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन दिए गए, अगर 10 का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं जबरदस्त तरीका से, तो समझिए कि आपका 5 नंबर इस सिर्फ एक क्वेश्चन से आपका 5 पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, यानी 5 का 10 क्वेश्चन दिया गया, आप देख सकते हैं। देखिए ये साबित करने वाला क्वेश्चन है, इससे बना करके ये ला दीजिए, माने ये इसको बनाते बनाते जाएगा लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और नहीं तो इसको बना के ये ला दीजिए किसी तरह। एक और तरीका होता है, देखिए 3 तरीका से इस क्वेश्चन को साबित किया जाता है, ये बनाइए अगर ये आ गया तो साबित हो गया, इधर से बनाइए वो आ गया तो साबित हो गया, आ नहीं तो दोनों बना के ले चलिए और इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर अगर बराबर आ गया तो भी ये साबित हो गया। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित सरल समीकरण को सिद्ध कीजिए, इसको साबित करना है जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और ये कोण सब न्यून कोण है, मतलब कि ये एक्यूट एंगल सब दिया गया है। अब समझिए साबित करते कैसे है, आप बताइए। कौशिक का तो 2 फॉर्मूला होता है ना, कौशिक का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, कौशिक साइन के साथ भी होता है, कौशिक कॉट के साथ भी होता है। देखिए एक होता है कौशिक थीटा बराबर 1/sin θ और एक होता है कौशिक थीटा बराबर 1+cot θ, लेकिन किस में, रूट में होता है। अब बताइए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कौशिक यहाँ दिया है, हमको लाना है क्या 1-cos लाना है, 1+cos लाना है, यानी cos के रूप में जाना है। तो आप बताइए कि कौशिक को अगर साइन में बदलिएगा तो साइन जल्दी cos में बदल जाएगा, यही दिमाग लगाना है कि यहां तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि रिलेशन कैसे जोड़ते हैं, नाता रिश्ता कैसे करते हैं, हम क्या कर सकते हैं कॉस को बदल दे साइन में और साइन जल्दी बदल जाए किस में, कॉस में। अगर कॉट को बदलिएगा तो कॉट बदल सकता है टेन में, सेक में, फिर कॉस में, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको पहले किस में बदल लीजिए, आप बदल दीजिए साइन में और फिर साइन को बदल दीजिएगा किसमें, कॉस में, आराम से आंसर आ जाएगा आपका कॉस के टर्म में। तो एक काम करते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/sin θ, इसको भी तोड़िए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, LHS से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का बट्टा का घटाव कीजिए, दोनों के बट्टा का घटाव करने का मतलब हुआ साइन थीटा, दोनों बार है तो ऐसे लिख सकते हैं, और 1- ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा लिख दो डायरेक्ट, कॉस थीटा। यहाँ देखिए यहाँ जो स्क्वायर दिया है, ध्यान समझिए, ये दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी, तो अलग अलग बांट दीजिए, 1-cos वाला अपना ले गया और ये वाला अपना ले गया, साइन स्क्वायर अलग हो गया, ठीक है, ये अपना स्क्वायर लिख दिए, इसका स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ देखिए हमको चल रहा है यहाँ से ये वाला लाना है ना, 1-cos θ, ऐसा लग रहा है ना, अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा कॉस में बदल रहे हैं तो कॉसे की तरफ भागो, क्या होता है फॉर्मूला, 1-cos²θ होता है। देखिए तो लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है, अभी पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यहाँ समझिए 1-, अच्छा बताइए 1-cos²θ कितना बार है, 2 बार है, तो लिख सकते हैं इसको 2 बार, कॉस थीटा 1 बार हो गया और इसको लिख दीजिए 1-cos θ, ठीक है। यहाँ देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ ध्यान से, यहाँ पे 1-cos²θ है, अगर यहाँ 1 के पास स्क्वायर दे दें तो 1 का स्क्वायर आखिरकार 1 ही रह जाएगा अगर हट जाए तो, लेकिन अगर स्क्वायर देने से फायदा ये है कि a²-b² ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर रखो चाहे पावर 3 कुछ भी रखो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर 1 ही आता है। तो a² और b² क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a+b और क्या हो जाएगा a-b, एक जैसा दिख रहा है ये और ये एक जैसा दिख रहा है, काट दो, ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बच गया 1-cos θ और नीचे बच गया 1-cos θ, PROVED प्रूव्ड हो गया, RHS देखो तो यही ला रहा था ना, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए। तो हमको क्या करना था, देखिए क्वेश्चन ये दिया था, लाना था हमको कॉस, तो कोशिश करना है कि कॉस को किधर ले जाए,
हमको जिधर जाना है उधर ले जाए, तो कॉस को पहले साइन के तरफ ले, और साइन कॉस में बदल सकता है क्योंकि साइन और कॉस साथ में रहता है, ठीक है। इसी तरह भागना है कॉस के तरफ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, बनाइएगा जबरदस्त तरीके से। आपको एक एक नंबर यहां से बटोर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, एकदम जान लगा देना है अपने मार्क्स को इकट्ठा करने में। तो फिर हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां क्वेश्चन नंबर सेकंड को साबित करने चलते हैं, देखिए कैसे है क्वेश्चन है। आप बताइए कि हमको ये बना करके ये लाना है, क्लियर है, इतना तो है। अब करेंगे क्या, यहां पे करेंगे कुछ नहीं। देखिए यहां पे लग रहा है ना कि बट्टा का जोड़ जैसा दिख रहा है, ये भी बट्टा में, यही बट्टा में, कर देते हैं बट्टा का जोड़ ना। देखिए तो जब इसका और इसका लघुत्तम निकालिएगा, तो जिसका एलसीएम नहीं लिया जाता उसे वैसे ही लिख देते हैं, वन प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए, हो गया। ये वाला लिख दिए और ये भी वाला लिख दिए। अब इसमें इसमें जब डिवाइड करते हैं तो वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कॉस, और कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसमें इसमें डिवाइड करें तो कॉस से कॉस खत्म, बच जाएगा ये क्या, वन प्लस साइन और वन प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में है, बट्टा का जोड़ किए तो ये आपको इस रूप में देखने को मिला। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, ए प्लस बी के द होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, इतना हो जाएगा। और इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिए, वन प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको कॉस स्क्वायर। ये हमको साबित करना है, ये बात की बात है, लाना है इधर, पहले देखिए होगा का कॉस स्क्वायर ए हम लिख दिए, प्लस वन का स्क्वायर वन ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन हो जाएगा, प्लस टू साइन ए हो गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या आती है, वन प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, ये हम सेम टू सेम एज इट इज उतार दिए। लाना है सेक, तो सेक लाना है तो आप सोचिए कि किस फॉर्मूला में सेक होता है, ठीक है। तो सेक एक बार कॉस के साथ होता है और सेक एक बार टेन के साथ होता है, तो आप बताइए कि कॉस इसमें है कि नहीं। इसका मतलब कि जब ये पूरा कॉस में बदल जाएगा तो सेक भी आ सकता है, और एक होता है जो सेक टेन के साथ होता है। आपको फॉर्मूला का ट्रिक बता चुके हैं, अगर फॉर्मूला में डाउट हो रहा है तो जाके फॉर्मूला की कहानी देखिए, बहुत ही मजेदार और आसान तरीका से ट्रिक बताया गया है। प्लेलिस्ट खोल करके देखिए लाइन बाय लाइन, एक ही प्लेलिस्ट में पूरा मैथमेटिक्स आपका है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, एक पहले से ही वन दिया है, और ये लिखा है टू साइन ए, अब बट्टा वन प्लस साइन ए और ये हो जाएगा आपका कॉस ए, वन और वन कितना होता है टू, प्लस ये हो जाएगा टू साइन ए, अब बट्टा वन प्लस साइन ए, ये उतार दीजिए, इसको उतारते जाएगा, इधर छेड़छाड़ नहीं करना है, दोनों में दो कॉमन मिल रहा है तो दो निकाल लीजिए, तो जब दो बाहर निकलेगा तो यहां बचेगा वन प्लस, यहां से दो हट गया तो बचेगा साइन ए, अब बट्टा में यहां का बचेगा वन प्लस साइन ए और ये होगा आपका कॉस ए। इतना समझ में आया, यहां देखिए वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए खत्म, क्या बचा, यहां पे बचा आपका टू बट्टा कॉस ए, टू बचा और कॉस ए बचा। कॉस थीटा बराबर का होता है, यहाँ दो का दो लिखिए अब बटा होता है वन बाई सेक थीटा, थीटा का जगह ए है, ऊपर नीचे ऊपर कर दिए तो हो जाएगा टू सेक ए, यहाँ पे हो गया साबित, आरएचएस आ गया। तो बताइए हम कहाँ से चले, इधर से चले, यानी एलएचएस से चले, और क्या आ गया आरएचएस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखना होगा तो सब बनाने के बाद नीचे लिख लीजिएगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रेगुलरिटी अब बना के रखिए, क्वेश्चन एक एक हम लोग देखते चलेंगे बहुत मज़ेदार तरीका से, और आपको एक से एक काल जबरदस्त हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स और इकोनॉमिक सब में देखे को मिलेगा और बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।